बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान हो गया है। इस बार विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह के साथ साथ ऋषभ पंत भी देखने को मिलेंगे। साल 2022 में हुए एक्सीडेंट के बाद पंत पहली बार टेस्ट फॉर्मेट में वापसी कर रहे हैं। उनकी वापसी पर पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बड़ी बात कह दी है। सौरव गांगुली का मानना है कि ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में ऑल टाइम बेस्ट खिलाड़ी बनने की राह पर हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पंत की एक कमी के बारे में भी खुलासा किया है। गांगुली का मानना है कि पंत को छोटे फॉर्मेट में अपने प्रदर्शन को सुधारने की जरूरत है। इतना ही नहीं, गांगुली ने तो पंत को इसका तरीका भी बताया है। गांगुली ने एक इवेंट के दौरान बातचीत में कहा कि मैं ऋषभ पंत को भारत के बेस्ट टेस्ट बल्लेबाजों में से एक मानता हूं। उनकी टेस्ट क्रिकेट में वापसी से मैं हैरान नहीं हूं। वो भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में खेलते रहेंगे। अगर वह इसी तरह का प्रदर्शन करते रहे तो टेस्ट क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में शामिल हो जाएंगे। मेरा मानना है कि उन्हें छोटे फॉर्मेट में बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। वो प्रतिभाशाली हैं और मुझे यकीन है कि वो जल्द ही ऐसा करने में सफल रहेंगे। पंत ने हाल ही में बांग्लादेश सीरीज से पहले दलीप ट्रॉफी में भी भाग लिया था। टूर्नामेंट के पहले मैच में उन्होंने अपने कमबैक का ऐलान किया है। इंडिया बी की ओर से खेलते हुए पंत ने दूसरी पारी में 61 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 47 गेंद का सामना किया, यानी कि पंत ने न सिर्फ मैदान पर बल्कि अपने जाने पहचाने रूप में भी वापसी कर ली है। ऋषभ पंत की यह पारी उनकी टीम के लिए जीत में भी काम आई। इंडिया ए के खिलाफ उनकी टीम को 76 रन से जीत मिली। गांगुली ने इस बातचीत में शमी के कमबैक को लेकर भी उम्मीद जताई है। उनका मानना है कि शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली बॉर्डर गावस्कर सीरीज से पहले भारतीय टीम में वापसी कर लेंगे। गांगुली ने कहा कि मैं जानता हूं कि मोहम्मद शमी चोटिल होने के कारण टीम में नहीं है, लेकिन वह जल्द ही वापसी करेंगे क्योंकि भारत को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। भारत का अटैक अभी बहुत अच्छा है। मैं भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का इंतजार कर रहा हूं। टीम की वहां असली परीक्षा होगी। इसके बाद टीम को जुलाई में इंग्लैंड का दौरा करना है। ये दोनों दौरे बेहद महत्वपूर्ण होंगे। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की मौजूदगी तथा शमी की वापसी से भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण मजबूत होगा। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उनके घर पर टेस्ट सीरीज में मात दी है। दो मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश ने पाकिस्तान का व्हाइट वॉश कर दिया था। लेकिन इस पर गांगुली का मानना है कि बांग्लादेश के लिए भारत को भारत में हराना आसान नहीं होने वाला। टीम इंडिया पाकिस्तान से बहुत अलग है। वह घर पर और बाहर दोनों जगह अच्छा खेलती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उसकी धरती पर हराना आसान नहीं होता, इसलिए बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बधाई। लेकिन भारतीय टीम अलग तरह की है। वह घर पर हो या बाहर, दोनों जगह अच्छा प्रदर्शन करती है और उसकी बल्लेबाजी यूनिट काफी मजबूत है। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश यहां जीत पाएगा। भारत सीरीज जीतेगा, लेकिन भारत को बांग्लादेश से कड़ी चुनौती मिल सकती है क्योंकि वह पाकिस्तान को हराने के बाद आत्मविश्वास के साथ यहां आ रहे हैं। बता दें कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर 2 टेस्ट मैच और 3 T20 मुकाबले खेलने आ रही है। टेस्ट सीरीज की शुरुआत 19 सितंबर से होनी है और वहीं T20 के मुकाबले 6 अक्टूबर से खेले जाएंगे।